नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे जुनून और मैं आपके साथ संजीव। आइए नजर डालते हैं भारतीय कुछ प्रमुख खबरों पर। कुरुक्षेत्र हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया गया। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में प्रथम विश्व उड़ीसा भाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने बोध गया में अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र में कोरोना के 87 नए मामले, 2 रोगियों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद इसरो को आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय द्वारा प्रतिष्ठित लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत के मुख्य अतिथि होंगे। मध्य प्रदेश के सभी न्यायालयों में लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुनवाई की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के राजौरी पहुंचकर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय ने विकलांग व्यक्तियों को 1 करोड़ से अधिक यूडीआई कार्ड देने का लक्ष्य पूरा किया। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को पहले देखने के लिए टुडे जून के सभी प्लेटफॉर्म को फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।